कबल अज वक्त इलेक्शन फैसला कुन मरहले में दाखिल, इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत और इमरान खान को अहम पैगाम पहुँचा दिया। सियासी फरीकैन को वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि मुज़ाकरात के मेज़ पर आ जाए वरना मार्शल लॉ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सीनियर तज़ज़ियाकार नजम सेठी के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहने के मौकिफ पर कायम है, मगर वो इस बात पर भी पक्के हैं कि मुल्क का मौशी बहरान हर सूरत हल करना है। इस तनाजुर में मुस्लिम लीग की तरफ इशारा किया गया है कि मईशत की बेहतरी के लिए PTI के साथ मिलकर कोई चार्टर या मंशूर तय कर लें। इदारा चाहता है कि जिन चीज़ों का ताल्लुक कौमी मुफादात के साथ है उन पर दोनों बड़ी सियासी जमातों का कोई समझौता हो जाए। सीनियर सहाफी नजम सेठी ने नून लीग और तहरीक इंसाफ की जानिब से मुजाकरात की तस्दीक पर गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान इमरान खान के मौकिफ में भी कुछ तब्दीली आई है और वो चाहते हैं कि जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात हो रही है तो फिर एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर भी हमेशा के लिए पाबंदी लगाई जाए, जबकि दूसरी जानिब कबल अज वक्त इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर भी बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। इंतजार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवाना के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली बिल्ली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई दो नंबरी नहीं चलेगी। ओ, हम कोई गुलाम हैं जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? Absolutely not। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर वन चैनल चलेगा बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।